एवरीवन, तो सुबह की शुरुआत होती है गर्म पानी के साथ और ये है मेरी वेट लॉस जर्नी का डे वन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज है 1 जुलाई। आई नो वीडियो काफ़ी लेट आ रहा है, रीज़न ये था कि मैं इधर काफ़ी बिजी थी तो वीडियो एडिट करने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो गर्म पानी अच्छे से रिलैक्स होकर मैं 2 ग्लास गर्म पानी पीती हूँ सब सब करके, दैन उसके बाद मैं थोड़ा सा छत पर जाती हूँ, थोड़ा सा खुली हवा को इंजॉय करती हूँ, देन वापस आके शुरू कर लेती हूँ अपना थोड़ा सा योगा वर्कआउट। तो कुछ मैं खुद से करती हूँ, कुछ वीडियोस ऐसे देखकर मैं खुद से करती हूँ, कुछ मैं अपने क्लब के थ्रू करती हूँ जो मेरे कोच मुझे कराते हैं, तो उससे अच्छे से योगा और बॉडी को अच्छे से मैं स्ट्रेच करती हूँ। इससे काफ़ी रिलैक्स फील होता है, पूरा दिन एक एनर्जी सी रहती है और ख़ुद को भी ये फील होता है कि मैंने एक काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं मैंने एक्सरसाइज कर ली है, जो दिन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पूरे दिन में 30 से 60 मिनट की एक एक्सरसाइज करनी चाहिए। और सुबह आपके पास बहुत एनर्जी होती है, खाली पेट होते तो एक्सरसाइज करने के बहुत सारे फ़ायदे भी मिलते हैं। सो एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा पसीना बहाने के बाद, जो कि मैंने क्लब से प्लस सेल्फ दोनों योगा एंड एक्सरसाइज कर ली, अब कंप्लीट हो गया है। अब मैं करने वाली हूँ अपने दिन की शुरुआत। तो मैं जल्दी से, आज सोमवार का दिन है, सावन का पहला सोमवार है, मैं नहाऊंगी और मंदिर जाऊंगी, पूजा करूंगी। और मैंने डिसाइड किया कि आज मैं रखूंगी वाटर फास्ट और मैंने हफ्ते में एक बार वाटर फास्ट ज़रूर रखना है। तो मंडे से अच्छा दिन मुझे नहीं कोई लगा, मंडे अच्छा फास्ट होगा और वाटर फास्ट से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो सुबह मैंने ये ली है एफ्रेश पी रही हूँ मैं। आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू यू जो आप लेना चाहो। तो आराम से बैठ के अपनी ये एफ्रेश को मैंने इंजॉय किया। सो 11:30 बजे का टाइम बज रहा है और अब मैं ये पूरी बॉटल पानी पीने वाली हूँ, क्योंकि जो छोटी छोटी सी भूख होती है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं पानी के साथ। और ये वाटर फास्टिंग का डे है, सो वाटर फास्टिंग में पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पीना। और छोटी छोटी सी जो हमारी भूख होती है जिसको हम स्नैक्स के साथ कहीं ना कहीं रिप्लेस करते हैं, वो एक्चुअली पानी की हमारी भूख होती है। और इस टाइम पर मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है क्योंकि ये मेरा एक एक्चुअल ऐसा टाइम है जिस टाइम पर मैं कुछ ना कुछ खाती हूँ। 11:30 से 12 बजे अराउंड मैं कुछ ना कुछ लेती ज़रूर हूँ। तो आज मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है, वो थोड़ी वाली भूख मैं पानी के साथ कंप्लीट करूँगी। देन इसके बाद मैंने दोपहर में लिया ये लेमन वाटर और सच में इससे काफ़ी ज़्यादा पेट फुल हो गया था। इसमें कोई शुगर नहीं है और ये ठंडा भी नहीं है, ये बिल्कुल सादे पानी में बना हुआ है। अभी मैं शाम को सो के उठ गई हूँ, मैंने एक पावर नैप ले ली थी दोपहर में, तो अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश फील कर रही हूँ। और जानवी अपना होमवर्क कर रही है, अब मैं बनाऊँगी अपने लिए एक ग्रीन टी। अगर आप चाहें तो इस टाइम पे ग्रीन टी को अवॉइड करके आप ले सकते हो लाइक कोकोनट वाटर भी, बट मेरे पास इस टाइम पे नहीं था अवेलेबल तो मैंने यहाँ पर ग्रीन टी पी। ग्रीन टी पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आ गई और मैंने की शाम का वर्कआउट। शाम का वर्कआउट आप मतलब जो क्लब से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर जो मेरी ट्रेनर है वो मुझे कराती है एक वर्कआउट, तो उससे वर्कआउट करने के बाद थोड़ा सा मैं खुद से भी कर लेती हूँ। तो इस समय वो ऑनलाइन वर्कआउट करा रही हैं तो मैं उनके अकॉर्डिंगली वर्कआउट कर रही हूँ। एंड वर्कआउट फिनिश करने के बाद मैं एक अच्छा सा पानी और लूँगी, एक ग्लास थोड़ा सा गुनगुना पानी लूँगी और उसके बाद ऑलमोस्ट ये डे कम्प्लीट हो जाएगा। सो खुद का वर्कआउट करने के बाद घर वालों को दिया खाना पीना, इसके बाद छत पे की थोड़ी सी वॉक, फिर नीचे रूम में आकर पढ़ी बुक। और आप कोशिश करिए कि किसी भी बुक को, जो भी आपकी फेवरेट बुक है, तो उसका आप एक दो पार्ट पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर दामोदर लीला पढ़ी है कृष्ण भगवान की और बहुत अच्छी है। मुझे इसके बारे में पता था लेकिन पढ़ने में मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इसमें जो चीज़ों को बड़ी डिटेलिंग से बताते हैं बुक्स में, तो ये बुक मैंने पढ़ी और आज का दिन ऐसे निकला, डे वन। Thank you so much for watching. Please do subscribe my channel. Radhe Radhe.